हेलो बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आमोदनी भाग एक के प्रथम पाठ मातृभूमि नमः का पठन करेंगे और इस पाठ को समझेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमः। तो ये प्रस्तुत जो पंक्ति है, यहाँ पर ये पंक्ति जो मैंने पढ़ी है, इन पंक्तियों में कहा गया है कि हे मातृभूमि, यानी कि यहाँ पर संबोधन किया गया है मातृभूमि को कि मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमः। हे मातृभूमि, तुम्हें नमस्कार है। मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमः। हे मातृभूमि, तुमको नमस्कार है। ठीक है, अब देखिए अगली पंक्तियों में कहा गया है अग्रतस्ते नमः, पृष्ठतस्ते नमः। यानी कि यहाँ पे क्या है अग्रतस्ते, अग्रतस्ते का अर्थ हुआ आगे से नमः, यानी कि हे मातृभूमि। फिर से यहाँ मातृभूमि को संबोधन किया गया है कि हे मातृभूमि, तुम्हें अग्रतस्ते यानी आगे से नमस्कार है। पृष्ठतस्ते नमः, पृष्ठतस्ते का अर्थ क्या हुआ कि तुम्हें पीछे से नमस्कार है। अगली पंक्ति में कहा है उद्धर्व तस्ते नमश चाप्य धस्ते नमः, यानी उद्धर्व तस्ते, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको ऊपर से नमस्कार है और नीचे से नमश चाप्य धस्ते नमः, यानी ऊपर से नमस्कार है और नीचे से नमस्कार है, तुम्हें हर ओर से नमस्कार है। ये किसको कहा गया है, मातृभूमि को। अब अगली पंक्तियों में देखेंगे वाम तस्ते नमो, दक्षिणे ते नमः। वाम तस्ते का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपको वाम तस्ते नमः कि हे मातृभूमि, तुमको बाएं से नमस्कार है। फिर दक्षिणे ते नमः, यानी दाहिने से नमस्कार है। फिर अगली पंक्ति में देखिए मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमः। हे मातृभूमि, तुमको नमस्कार है। तुम सबसे महान हो, इसलिए तुम्हें सदा नमस्कार है। ठीक है, अब देखिए आगे ते गिरिभ्यो नमस्ते, नदीभ्यो नमः। इन पंक्तियों में क्या कहा है, गिरिभ्यो का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर कि पर्वतों, गिरी मीन्स क्या होता है पर्वत, पर्वतों को कहा गया, और नदीभ्य का मतलब क्या हुआ नदियों को। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हारे गिरिभ्य यानी पर्वत, तुम्हारे पर्वतों को नमस्कार है। नदीभ्यो, जिस प्रकार मैंने अभी बताया आपको, नदीभ्यो यानी नदियों को, तुम्हारे पर्वतों को नमस्कार है और तुम्हारे नदियों को नमस्कार है। ते वनभ्यो नमः, जनपदेभ्यो नमः। वनेभ्यो यानी जंगल या वन, तो यहाँ पे आगे कहते हैं तुम्हारे वनों या जंगलों को नमस्कार है। और जनपदेभ्य का मतलब होता है कोई जिला या कोई गांव, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारे जिलों को नमस्कार है, तुम्हारे गांव को नमस्कार है। अगली पंक्तियों में कहा गया है ते कणोभ्यो नमस्ते, अणुभ्यो नमः। मातृभूमि नमः, मातृभूमि नमः। तो देखिए इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, कणोभ्य यानी कणों को और अणुभ्य यानी अणुओं को। तो यहाँ पर कहा है कि हे मातृभूमि, तुम्हारे कणों को नमस्कार है और तुम्हारे अणुओं को नमस्कार है। हे मातृभूमि, तुमको नमस्कार है। तुम सबसे महान हो, इसलिए तुम्हें सदा नमस्कार है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जो प्रथम पाठ है मातृभूमि नमः अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।